माय गॉड, थोड़ी सी आवाज निकल आई है मेरी। ओए आराम से। वो देखो भाई, मेरी नजर गाइस एक चीज पे है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा गला खराब है ना, जिसकी वजह से मैंने बड़ी कुर्बानी दी है। ईद पे इतना खास कुछ खाया भी या नहीं है ना भाई। वो देखो, वो बिलाल दिखाओ जरा। ये बिलाल की नहीं है लेकिन अली की है। लाल, मैंने तुम्हें पीने के लिए नहीं कहा, उसकी है। मैं वीडियो के अंदर ही कुटूंगा। अच्छा, ये मजेदार हो जाएगी वीडियो। चल लाती लाती, फिर ज्यादा मजा आएगा। वो कह रहा तू पी, मैं तुझे कुटूंगा। ऊपर करके पी नहीं है क्यों? अच्छा जी, आ गई बदतमीज सब्जी। ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल और करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अब काफ़ी बेहतर हूँ। तो अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, हर दुख हर परेशानी से दूर रखे। आमीन सुमी सुमामीन। तो गला आवाज़ अभी भी थोड़ी सी मेरी बैठी हुई है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का काफ़ी बेहतर है। तो मेडिसिन मैंने खा लिया है, तो मैंने कब स्टार्ट करते हैं जी काम। आज मैं बना रही हूँ जी करेले गोश्त। उसके लिए देखिए जी, प्याज लहसुन अदरक टमाटर और नमक मिर्च हल्दी पानी डाल के ना मैंने मसाले को चढ़ा दिया है। और यहाँ पर देखिए जी, करेलों को मैंने काट लिया है और नमक लगा के ना इनको अच्छी तरह से ऐसे मैश करके ना, तो मैं 1 से 1.5 घंटा इनको ढक दूँगी। उसके बाद इनको वॉश करके ना, तो फिर मैं इनको निचोड़ लूँगी। अच्छा, मैं इनको पता कैसे निचोड़ती हूँ, मैं इनको रुमाल में डाल के ना मशीन में डाल देती हूँ, कपड़े धोने वाली, वो बड़े अच्छे माशाल्लाह से उसमें स्पिनर में स्पिन हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, जब मैंने इनको स्पिन कर लिया था, मैंने इनको कढ़ाई में डाल दिया और यहाँ पे हल्दी डाली है मैंने। हल्दी ज़रूर मैं डालती हूँ, उसके साथ डाल के तो अच्छी तरह से आपने करेलों को देखिए जी फ्राई कर लेना है। गोल्डन ब्राउन इनका कलर आ गया है। तो यहाँ पे देखिए जी, मसाला जो था वो मैश हो गया था, उसमें मैंने चिकन और खड़ा मसाला दोनों ऐड कर दिए हैं। उसके साथ साथ मैं उसको भी भून रही हूँ, चिकन को भी, और साथ यहाँ पे मैंने देखे जी प्याज़ों को भी ना सिर्फ सोथे किया, फ्राई नहीं किया। करेले जो फ्राई हो गए थे उनको मैंने बाहर निकाल लिया हुआ था, उसी कढ़ाई में मैंने प्याज फ्राई किए हैं, सोथे किए हैं। उसमें मैंने देखे जी वही फ्राई किए हुए करेले डाल दिए, और जो मसाला भुन गया था ना गोश्त के साथ चिकन के साथ, वो भी इसमें ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग बाद में टमाटर डाल देते हैं ताकि ज़रा थोड़ी सी, मैं पहले ही मसाले में ज़्यादा टमाटर डाल देती हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह से करेले हो गए थे जी डन। साथ में मैंने बनाई हुई थी सादी रोटियाँ, बहुत ही मज़े के बने हुए थे। और यहाँ पे जी प्रॉब्लम हो गई थी, एक परेशानी के बाद बस दूसरी परेशानी ऐसे ही आई जा रही है। जब से ईद ही है तब से तो तबीयत मेरी बिल्कुल नहीं ठीक रह रही। तो अब साथ साथ जी ये भी परेशानी साथ ही आ गई थी, जो कपड़े धोने वाली मशीन थी ना ऑटोमेटिक, वो पानी नहीं भर रही थी, उसकी कोई प्रॉब्लम हो गई हुई थी, वो पानी नहीं भर रही थी, तो कपड़े नहीं धो पा रही थी मैं। तो फिर बड़ी परेशानी थी कि क्या करूँ। काफ़ी रब्ता कर रहे थे, कितने नंबर काफ़ी लोगों ने हमें दिए कि यहाँ पे रब्ता करके इनको बुलाएं, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा था, फ़ोन भी नहीं कोई उठा रहा था, शायद ईद के बाद छुट्टियों पे गए होंगे। तो लेकिन ये जहाँ से हमने खरीदी थी ना, वहीं पे हमने फ़ोन किया, फिर उन्होंने हमें नंबर दिया, फिर वहाँ से ये लोग आए। ये कोई पुर्जा है जो मशीन के अंदर से उन्होंने क्या ख़राब हो गया हुआ है, तो अब इसको बुला के नया डाल रहे हैं मशीन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अब शुक्र अल्लाह का मशीन ठीक हो गई है। फिर मैं चली गई थी ऊपर रूम में, मैंने कहा बच्चों को भी थोड़ा सा टाइम दे दें। यहाँ पे मैं बच्चों को थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ, और मैंने कहा चलिए होमवर्क वगैरह कर लें, और उबैद को थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, क्योंकि उबैद की राइटिंग ज़रा थोड़ी सी ना, राइटिंग में उबैद कमज़ोर है, और कुतलाइन माशाल्लाह से होमवर्क कर रही है अपना। तो मैंने आज आपके साथ एक बहुत ज़रूरी बात करनी है इस वीडियो में, वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ वो बात क्या है। काफ़ी दिनों से बच्चों की तरफ भी ध्यान नहीं दिया हुआ था, क्योंकि फिर ईद थी, ईद के बाद भी छुट्टियाँ थी, उसके बाद भी तबीयत ही ख़राब हो गई हुई थी। तो अब मैंने कहा बच्चों को तरफ भी रेगुलर टाइम देना स्टार्ट करूं, क्योंकि आगे फिर मेरे ख्याल से शायद बच्चों के पेपर्स भी हो जाएं फर्स्ट टर्म के, तो उसके लिए फिर बच्चों को तवज्जो देना साथ साथ आपको पता बहुत ज़रूरी होता है। तो ईद के बाद अब काफ़ी दिन बाद मैं ऐसा, मैंने आज भी लोग बना रही हूँ, और मोहम्मद अली जा रहा है जी ट्यूशन, और रूम अभी बिखरा पड़ा है, तो बच्चों को भेज के तो फिर मैं एकदम से रूम सेट करूँगी। अहमद के माशाल्लाह से बोर्ड के पेपर हो रहे हैं, उसके लिए भी दुआ कीजिएगा। यहाँ पर वो पढ़ रहा था, कह रहा था मामा 1 घंटे के लिए सो रहा हूँ, मुझे उठा देना। मैंने कहा चलो ठीक है अहमद, क्योंकि रेस्ट भी साथ साथ बच्चे का होना चाहिए। एकदम से मैं कह दूँ नहीं नहीं, तो फिर वो पढ़ेगा नहीं, उसको नींद आती रहनी है, उसने सबक भी नहीं याद होना और नींद भी आती रहनी है। यहाँ पे जी अम्मी माशाल्लाह से शवाल के रोज़े रख रही हैं, और सिंपली अम्मी ने कहा था अफ्तारी में कोई इतना ज़्यादा तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है,
तो बस मैंने दही फुल्की बना दी थी, शरबत बना दिया था और मैंने तरबूज काट दिया था साथ में खजूर। बस अम्मी को अफ्तारी अम्मी यही कर रही हैं, इतनी कोई खास अहतमाम अम्मी नहीं करवा रही। तो यहाँ पे मदर अहमद जा रहे हैं अंदर दादू को अफ्तारी का सामान देने और मैं किचन में स्टार्ट करने लगी जी एक रेसिपी, बहुत ही मज़े की है, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी थी, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। अच्छा जी, यहाँ पे जो मैं क्वांटिटी यूज़ कर रही हूँ ये मैं डबल यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जो मैं आपको बताऊँगी वो सिंगल क्वांटिटी होगी, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी बना के क्या करना है। तो मैंने ज़्यादा बनाए थे कि बच्चों को पसंद भी है तो चले सब थोड़े से खा भी लेंगे। तो यहाँ पे जो मैं आपको क्वांटिटी बताने जा रही हूँ, एक कप मैंने लिया है जी पानी, उसमें मैंने लिया है 115 ग्राम मैंने इसमें बटर डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाली है जी शुगर। ये सब चीज़ें डाल के तो बटर को हम अच्छी तरह से पानी के अंदर कर लेंगे मेल्ट, ये सब चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी जो भी हमने अंदर डाली है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे जी फ्लावर, तो इसके अंदर आपने फ्लावर एक कप यूज़ करना है। ठीक है, मैं आपको बात बता दूँगी कि जो मैं क्वांटिटी यूज़ कर रही हूँ मैं डबल क्वांटिटी यूज़ कर रही हूँ, अगर आप भी ज़्यादा बनाना चाहते हैं जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ ये चीज़ें आप डबल कर लेंगे तो इसकी क्वांटिटी डबल हो जाएगी। तो ये देखिए जी, इसको बस अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और ये देखिए जी इस फॉर्म में आ जाएगा, बिल्कुल ये थिक हो जाएगा जैसे हलवा नहीं हम बनाते सूजी का। तो ये देखिए जी, बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करके, तो मैं आपको भी क्रीप से भी दिखा देती हूँ, सारा जो फ्लावर हमने डाला था वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। क्वांटिटी आपने पानी की यही रखनी है, आपने ज़्यादा पानी कुछ भी ज़्यादा ऐड नहीं करना, जो बताया सेम एज इट इज़ ऐसे ही डालना है। ये देखिए जी इसकी फॉर्म आ गई है, अब इसको निकालते हैं बाउल में, इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। इसको ठंडा करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे जी 4 अंडे, 4 आपने नॉर्मल जो अपने बाहर रखे होंगे ठंडे आपने नहीं यूज़ करने, फ्रिज वाले नॉर्मल रूटीन वाले जो बाहर किचन में आपने तो निकाल के रख दीजिएगा, अगर फ्रिज वाले होंगे तो आपने वो वाले इसमें 4 अंडे यूज़ कर देने हैं। ठीक है, अच्छा तबीयत तो बिल्कुल ही ठीक नहीं हो रही थी कि बस अम्मी तो मुझे ये कह रही थी कि तुम्हें नज़र लग गई है किसी की कि ना माशाल्लाह से रमज़ान में तुमने इतनी ज़्यादा मेहनत की है और माशाल्लाह से बस पता नहीं क्या हो गया, जब से रमज़ान गया तब से तबीयत ठीक नहीं हो रही। तो बस ये 4 अंडे डाल के तो इनको चम्मच की तरह से मैंने मिक्स करने की कोशिश तो की थी लेकिन नहीं ये बिल्कुल नहीं हो रहा था, फिर मैंने कहा बीटर पकड़ती हूँ बीटर से ये अच्छी तरह से ये मिक्स होगा, तो बीटर की मदद से मैं इसको कर रही हूँ जी मिक्स। तो चूँकि मैं डबल क्वान्टिटी है तो इसलिए मैं इसमें 4 अंडे और ऐड कर रही हूँ, तो आपको मैंने सिंगल क्वान्टिटी ही बताई है। तो ये देखिए जी इसकी ये फॉर्म आ गई है इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद। अच्छा, मेहनत इस पर काफ़ी लगी थी, काफ़ी ज़ोर लगा था, फिर ये अच्छी तरह से इस तरह ही है। अच्छा देखिए जी, इस तरह मैंने नोज़ल डाली है सिंपल गोल वाली और इसको पाइपिंग बैग में भर लेंगे, इसको अब पाइपिंग बैग में भर के ही इसको हम शेप देंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ होता है तो इसको वैसे हम शेप नहीं दे सकते। तो ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने सिंपल ट्रे ले लिया बेकिंग वाला, तो बस उस पर देखिए जी ऐसे राउंड करके थोड़ा सा राउंड करके ऊपर लेते आएँगे, ये देखिए जी इस तरह करके हम सारे इसमें जितने भी इसमें पूड़े आ सकते हैं उस तरह से हम क्रीम पफ रेडी कर लेंगे। अब हाथ को मैंने उंगली को किया पानी से गीला, जो इसकी नोक थी ना ऊपर वो मैंने ख़त्म कर दी है, सिंपल मैंने इस पर जो अंडा होता है उसको बीट करके ना ब्रश की मदद से ऊपर ब्रश कर दी है। तो इसको कर लेंगे ओवन में बेक, 25 मिनट लगते हैं इसको बेक होने में और माशाल्लाह से ये देखें जी 25 मिनट बाद ये बेक होके आ गए हैं और कलर देख लें आप इनका माशाल्लाह से कैसा है, और ये देखें जी और सॉफ्ट भी है ये देखें। अब इनके अंदर हम क्रीम भरते हैं, सिंपल मैंने क्रीम को बीट किया है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला क्योंकि व्हिपिंग क्रीम जो आजकल आ रही है उनमें मीठा बीच में ही होता है, तो बस उतना ही नॉर्मल मीठा मैंने रखा, एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया क्योंकि मेरे घर वाले ज़्यादा मीठा नहीं खाते। तो बस इसको पाइपिंग बैग में भर के तो अब क्रीम पफ के अंदर भरते हैं। अच्छा ये आप चेक कीजिएगा जी, जब मैं इसमें भरती हूँ ना ये कैसे एकदम से फूल जाता है, माशाल्लाह से साड़ी ऐसे ही हो रहे थे, नाइफ की मदद से मैं नीचे ना प्लस का एक निशान बना देती थी और ये देखे माशाल्लाह से, और क्रीम मैं अंदर फील करती जा रही थी। एक मेरे पास दूसरा ब्राउनी वाला ट्रे था उसमें भी मैंने इनको डाल के तो बेक करने के लिए रख दिया था, ये भी वो सारे बेक होके आ गए हैं, तो इनका भी मैं आपको कलर दिखाती हूँ क्योंकि पहले वाले जो थे इनका नीचे से थोड़ा सा डार्क कलर आ गया था तो क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, लेकिन इनका माशाल्लाह से देख रहे नीचे से बहुत लाइट आया हुआ कलर और इससे और ज़्यादा ये सॉफ्ट बने हुए थे। ये देखिए मैं सारे आपको नीचे से उतार के दिखाती हूँ, छोटी स्पेशल नाइफ पकड़ी हुई है उसकी मदद से मैं इनको नीचे से उतार रही हूँ, ये देखिए कलर देखे माशाल्लाह से। अब मैं इनको लेके जा रही हूँ अंदर अम्मी पापा के पास, हस्बैंड के पास, उनका रिव्यू चेक करती हूँ।
डैडी तुसी खा ही नहीं रहे, खाओगे तो फेंच कड़ोगे ना। रिव्यू ले रहे हो थोड़ा एंड बैटरी या अब बे बैटरी का बाप आ गया हूं पापा अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आपसे जो ज़रूरी बात करनी थी उसका टाइम आ गया है कि ये देखिए जी, मैंने अपने चैनल के एनालिटिक में देखा है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, देखें वो भी वीडियोस देख रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। जो सब्सक्राइबर हैं वो सिर्फ 14.3% है, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो 85.7% लोग हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, आप लोगों की सपोर्ट की ही ज़रूरत है। तो आप लोगों की सपोर्ट के बगैर तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं हूँ। तो वीडियो देखते हैं, वीडियो को आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। इंशाल्लाह आपको यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी व्लॉग्स, रेसिपीज़, सब कुछ अच्छा अच्छा मिलने वाला है। तो अब यहाँ पे मैं भी ट्राई करने लगी हूँ, मैंने कहा मैं भी खा के देखती हूँ कि ये कैसा है, टेस्ट में कैसा है और कैसा बना हुआ है सॉफ्ट। और इसी के साथ मैं चाहती हूँ जी इजाज़त, आपने बहुत सारी दुआ में मुझे याद रखना है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर किया। अंकल लाइक इतने ज़्यादा कम होते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी कर दिया करें, इससे कुछ भी आपका जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पे अब मैंने क्रीम पफ टेस्ट कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बस ये कुछ मैं ऊपर बच्चों के लिए भी ले गई थी रूम में, तो बच्चों को भी मैंने कहा कि टेस्ट कर लो, आप लोग भी खाओ। तो बस इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।